मध्य प्रदेश की राजधानी का यह पहला वाक्य होगा जब माफियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हुई है। हमेशा राजनीति के विरोधी अलग अलग कारणों से विरोध करते हैं, लेकिन इस बार विषय गंभीर होने के साथ साथ जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई भी खुद को गलत बताने को तैयार नहीं है। यह बात अलग है कि सही गलत का फैसला आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में सामने आने वाले हैं। राजनीति में हमेशा एक दूसरे का विरोध करना और खुद को सही बताना आम बात है, लेकिन जब गंभीर विषय हो या जनता से जुड़ा मुद्दा हो तो हर कोई फूंक फूंक कर कदम रखता है। एक तरफ जहां कमलनाथ सरकार ने जनहित से जुड़ी शिकायतों का समाधान करने के लिए माफियों के खिलाफ अभियान चला दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ सरकार पर आरोप लगा रही है कि भाजपा का आरोप है कि कमलनाथ सरकार भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव को उज्जैन आना था, लेकिन उनका दौरा रद्द किया गया। इसके बाद स्थानीय नेता ने ही मोर्चा संभाला। विधायक और राज्यसभा सांसद को लेकर पूर्व विधायक सहित भाजपा के कई नेता, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि आंदोलन में शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार की ईंट से ईंट बजाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बीजेपी के नेताओं को टारगेट कर रही है। दूसरी तरफ इस प्रदर्शन के ठीक बाद कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता बुलाई। इस पत्रकार वार्ता में शहर अध्यक्ष महेश सोनी ने भाजपा के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। श्री सोनी ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक पारस जैन खुद गंभीर आरोप में उलझे हुए हैं। उन्होंने उज्जैन शहर की तीन पोश कॉलोनी राजनगर, अरिहंत नगर, उत्तम नखर का नाम लिया और कहा कि यह जमीन पर खड़ी हुई है। तीनों पोश कॉलोनियों पर भाजपा सरकार की नजरें इनायत हुई है और कॉलोनियों की आड़ में करोड़ों के वारे न्यारे हुए हैं। इन कॉलोनियों पर आने वाले समय में कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अनिल जैन कालूखेड़ा के नाम भी लिया है और कहा है कि अगर भाजपा शुक्रवार को कांग्रेस नेता का नाम माफियों से जोड़कर सूची सौंपती तो कांग्रेस ने भी तैयार कर रखी है। कांग्रेस प्रमाण के साथ एक ऐसी सूची सामने लाती है जो सरकार के पुराने सरकार के कामकाज और काले चिट्ठे को जनता के बीच रख देती है। उज्जैन उत्तर ही नहीं बल्कि उज्जैन दक्षिण की ओर भी शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने तीखे शब्दों में प्रहार किया है। उन्होंने कई नेताओं को टारगेट करते हुए कहा, उज्जैन शहर की जनता अच्छी तरह जानती है माफिया कौन है। इसके बाद पूर्व शहर अध्यक्ष और पूर्व विधायक बटुक शंकर जोशी ने भी शब्दों के जरिए पूर्व की भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि उज्जैन के जितने प्रकार के माफिया हैं सब कमलनाथ सरकार कार्यवाही करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ की जमकर तारीफ की। श्री जोशी ने कहा, सिंहस्थ क्षेत्र में जिन भूमाफियों को कॉलोनियों काटी थी उन पर भी कार्यवाही की जाएगी, इसके लिए प्रशासन से मांग करेंगे। पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष कमल पटेल, पार्षद आजाद यादव, सुल्तान शाह लाला, चेतन यादव सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आप ये बताएं कि सरकार ने किन लोगों को प्रताड़ित करने के लिए भूमाफियाओं को कार्रवाइयाँ की है, आप उनके नाम ला दो। आज इसके लिए मिलने गए थे और मुझे पता लगा था कि वो शायद कांग्रेस के भूमाफियाओं के नाम बताएंगे, वो तो कुछ करा नहीं उनने। और ये जो 15 साल में पूरे प्रदेश में माफिया राज था, चाहे वो खनन माफिया हो, भवन निर्माण माफिया हो, परिवहन माफिया हो, इन लोगों का जो गुंडा राज था, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो जो अवैध निर्माण थे या जो लोग अवैध रूप से काम कर रहे थे उनके कामों को शासन ने बंद किया है। इसमें शहर और जिला पार्टी कांग्रेस के संगठन ने किसी भी आदमी का ना तो नाम दिया ना हम देंगे।